नू राजा जब मूर्छित ने करीब के एक तालाब पर जो देखा वह दृश्य एकदम अद्भुत था। तुमने अच्छा कह दिया था। अब लड़की है ना, इमोशनल हो जाती है। पिक्चर तो शुरू होते तब बनना। नानी मजा आ रहा है। दीदी तू क्या दे रहा और इस तरह यहाँ एक गढ़ की
बसा हुआ था, जिसके निशान आज भी मांडा और अखनूर में मौजूद हैं। धीरे धीरे यहाँ सनातन धर्म की निशानदेही करने वाले शैव, वैष्णव और शक्ति मतों के मंदिर मठ भी इस स्थान की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगाने लगे। इसी तरह लगभग गौतम बुद्ध के समय से ही यहाँ बौद्ध मत ने भी अपनी जड़ें जमा ली थी, यानी कि मंदिर जनपद और अम्बरन यानी अखनूर में। कालांतर में राजपूत, ठक्कर और राणा वंश के शासकों के हाथों इस क्षेत्र में अमन चैन शांति का ऐसा दौर आया कि दूर दूर से आए व्यापारियों के कारमा और सैलानियों के झुंड यहाँ की वस्तुओं, कलाओं और शोहरत को चारों दिशाओं में फैलाने लगे। इतिहास बताता है कि धीरे धीरे यहाँ के राजाओं ने जम्मू प्रदेश को छोटी छोटी रियासतों में बांटकर नगर नगर कोटों को बसाया। भारतीय नगर शैली वास्तुकला में निर्मित मंदिरों, महलों, हवेलियों तथा तालाबों से सुसज्जित किया। 16वीं सदी में राजा अवतार देव ने इस इलाके को अपनी राजधानी बना लिया और फिर राजा देव के हाथों शुरुआत हुई जम्मू जामवाल राजवंश की। अब तो जम्मू मंदिरों, मजारों, सूफियों, महंतों का पवित्र स्थान बनने लगा, पर सब में बहुत ऊंचा स्थान हमेशा से रहा बाबी वाली माता महाकाली का। लोक विश्वास के अनुसार जिनकी प्रतिमा को 8वीं सदी में पावन अयोध्या से यहाँ लाकर स्थापित किया गया था, साथ ही महान महात्म्य रहा है पास ही कटरा में त्रिकूट पर बसी माता श्री वैष्णो देवी का। मुगलों ने जब सारे हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया तो भी जमुना को मुगलों के संरक्षण में ही रहने दिया गया। मध्य 8वीं सदी में राजा रणजीत देव के वक्त में जम्मू की डोगरा रियासत फलने फूलने लगी और उन्होंने तब ही मुबारक मंडी के महलों की नींव रखी। राजा रणजीत देव ने आसपास की 22 रियासतों को जोड़कर एक मजबूत राज्य स्थापित किया और जम्मू शहर दारुल अमन या शांति स्थान कहलाने लगा और यहाँ शांति पाने और अमन के साथ काम करने के लिए हर मजहब के लोग आने और बसने लगे। जहाँ मोहलानी बेगम जैसे बड़े लोग यहाँ आ बसे तो वहीं हजारों कारीगर, दस्तकार, कलाकार भी जिनके नाम पर जम्मू में आज भी कई मोहल्ले मौजूद हैं। उधर पास के पंजाब में सिखों का वर्चस्व शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जम्मू भी पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया, पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी पीढ़ी से जागीरदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू राज्य की बागडोर संभाली। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से भी और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए। गुलाब सिंह ने वीर हर सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर पठानों की फौज को भी खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य
सालार जोरावर सिंह ने उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। 1822 गुलाब सिंह के जम्मू के राजा की गद्दी पर बैठने के बाद इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय गुरु प्रेमदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सुन सिमली में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे दीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब पूरा सूबा पंजाब अंग्रेजों के चंगुल में था, पर ये सूरत डोगरों को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में एक संधि की। इस करार के मुताबिक एक नस्ली घोड़ा, 3 सोने के तार से कढ़े कश्मीरी शाल, 12 पश्मीना भेड़े और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। अभी तो मैं तब
प्रसिद्ध महाकाली मंदिर है। भावे वाली माता को जम्मू की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है। इसमें देवी महाकाली की काले रंग के पत्थर से निर्मित अति सुंदर मूर्ति है। बागेबाहु किले के अंदर स्थित इस मंदिर का निर्माण 1822 में महाराजा गुलाब सिंह ने करवाया था। महाराजा गुलाब सिंह उस काल में जम्मू के राजा थे। इस किले का नाम जम्मू राज्य के संस्थापक रहे राजा जाम्बुलोचन के बड़े भाई बाहुलोचन के नाम पर है। बागेबाहु किले का निर्माण आज से लगभग 3000 साल पहले राजा बाहुलोचन ने करवाया था। काली माता का यह मंदिर बाहु किले के परिसर में है, जो कि एक शक्तिशाली और तीव्र धार बहने वाली तवी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तवी नदी को सूर्य की पुत्री के रूप में जाना जाता है। बाहु किले के आसपास के वन क्षेत्र को एक खूबसूरत पार्क में बदल किया गया है, जिसे बागेबाहु के नाम से जाना जाता है। इस पार्क से जम्मू शहर का बड़ा ही मनमोहक नजारा दिखाई देता है। बालू वाली माता मंदिर की मान्यता है कि इसे माता वैष्णो देवी मंदिर के बाद दूसरा बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र की आध्यात्मिक आभा को आत्मसात करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में भक्त जम्मू आते हैं। मंदिर का निर्माण लगभग 3.9 फीट ऊंचे मंच पर सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में माँ काली जी काले पत्थर से निर्मित प्रतिमा के रूप में विराजमान है। मंदिर भीतर से छोटा है, इसलिए एक समय पर कुछ ही भक्त प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह के सत्ता में आने के कुछ समय बाद सन 1822 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि लगभग 300 साल पहले देवी महाकाली ने पंडित जगतराम शर्मा को सपने में दर्शन दिए और पहाड़ी की चोटी पर दफन एक पिंडीय पत्थर के रूप में अपनी उपस्थिति के बारे में बताया था। उसके कुछ ही समय बाद एक पत्थर मिला और पहाड़ी पर एक मंदिर बनाया गया। कहा जाता है कि देवी का प्रतीक काला पत्थर अयोध्या से सूर्यवंश के राजाओं राजा बाहुलोचन और राजा जाम्बुलोचन द्वारा मंदिर के निर्माण से बहुत पहले प्राप्त किया गया था। एक मान्यता यह भी है कि जम्मू राज्य को अपनी राजधानी बनाने के बाद जब राजा जाम्बुलोचन ने देवी की मूर्ति का मुंह अपने नए महल मुबारक मंदिर की ओर करना चाहा, तो वो लगातार असफल रहे। राजा के आदेश पर हाथियों की सहायता से देवी शिला को हिलाने का प्रयास किया गया, परंतु जब भी हाथी उस शिला को खींचते तो वो दर्द से चिंघाड़ने लगते थे। अंत में यह फैसला किया गया कि देवी की मूर्ति यही स्थापित रहेगी और इसी दिशा में रहेगी। कालांतर में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, इसलिए यह एक नया मंदिर प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद देवी महाकाली महाराजा रणवीर सिंह के पुत्र महाराजा प्रताप सिंह को एक सपने में दिखाई दी और उन्हें आदेश दिया कि पशु बलि को तुरंत इस मंदिर में रोक देना चाहिए। इसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। इसके उपरांत संत ने देवी महाकाली की मूर्ति को उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। आजकल मंदिर के पुजारी पशु बलि देने के बजाय कुछ अनुष्ठान करते हैं और बलिदान के प्रतीकात्मक रूप में इसे मुक्त करने से पहले एक भेड़ या बकरी पर पवित्र जल छिड़कते हैं और मुक्त कर दिया जाता है। इस अनुष्ठान को छिल्ली चरण के नाम से जाना जाता है। भक्त अपनी श्रद्धा देवी द्वारा अपनी इच्छा पूरी होने के बाद
ही सन की है और संभवतः 8वीं शताब्दी ईस्वी से भी पहले की है। और 14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जम्मू पर हमला किया था, उस समय बहुत किला और बावे वाले माता मंदिर मौजूद थे। इसका वर्णन उसने अपनी आत्मकथा में किया है जिसे वालफुजत तैमूरी के नाम से जाना जाता है। बाहुकिले के पास बाबा अम्मू की समाधि है, यहाँ इसके भक्त आते हैं, खासकर खजूरिया ब्राह्मण। काली माता मंदिर में साल में 2 बार नवरात्रों के दौरान मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के महीने में बाहु मेले का आयोजन किया जाता है। मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के दौरान साल में 2 बार बागे बाहु किले के अंदर नवरात्रों के दौरान एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार आयोजित किया जाता है जो बाहु मेला के रूप में जाना जाता है। मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ सप्ताह में 2 बार मंगलवार और रविवार को विशेष पूजा भी की जाती है। मंदिर परिसर में बहुत सारे बंदर हैं, जिसे जम्मू और कश्मीर राज्य में बंदरों का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। यह बंदर हाथ में पकड़ी हुई चीजों को छीनने में माहिर है, इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से सूचित किया जाता है कि वो अपना कैमरा, मोबाइल, अपना सामान या खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें। माँ काली का ये मंदिर, जिसे स्थानीय लोग श्रद्धा से बावे वाली माता कहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। ये मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक